दोपुर एमएलसी भाइयों और पूर पीसीएस समेत 14 पर लगा गैंगस्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज। पुलिस ने पूर एमएलसी हाजी इकबाल महमूद अली और एक डिप्टी कलेक्टर, दो रिटायर्ड कानूनगो समेत 14 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में पूर एमएलसी और उनके बेटे को भी अभियुक्त बनाया गया है। इनमें से 5 को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि 4 पहले से ही जेल में हैं। बेहट थाने में कुछ समय पहले जमीन की धोखाधड़ी को लेकर एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें असंक्रमणीय भूमि को गलत तरीके से संक्रमणीय भूमि दर्शाकर ग्रामीणों के नाम पर पट्टे कर दिए गए थे, जिसके बाद जमीन को किसानों ने पूर एमएलसी हाजी इकबाल के नाम बेनामा कर दिया था। इस मामले में बेहट के पूर्व एसडीएम शीतल प्रसाद व पूर्व रजिस्ट्रार जनेश्वर प्रियाद व पूर्व राजस्व निरीक्षक बीरबल को भी अभियुक्त बनाया गया था। इस मामले में पुलिस ने कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब पुलिस ने अभियुक्तों का एक गैंग चार्ट तैयार किया है। इंस्पेक्टर बेहट की तहरीर पर थाना बेहट में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें पूर एमएलसी हाजी इकबाल को गैंग लीडर बनाया गया, जबकि उनके भाई पूर एमएलसी महमूद, बेटे अलीशान वाजिद, जावेद, हाजी इकबाल की पत्नी फरीदा बेगम को गैंग का सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही बेहट के पूर एसडीएम शीतल प्रसाद, पूर रजिस्ट्रार कानूनगो जनेश्वर प्रसाद, पूर राजस्व निरीक्षक बीरबल समेत 14 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। पूर्व एसडीएम शीतल प्रसाद अंबेडकर चौक धूमनगंज इलाहाबाद निवासी हैं। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के सहयोगी रहे अधिवक्ता जिशान को अदालत से जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने जिशान की जमानत याचिका को मंजूर किया। बीते 27 अगस्त को पुलिस ने गैंगरेप के मामले में अधिवक्ता जिशान को जेल भेज दिया था। पुलिस ने पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज गैंगरेप के मुकदमे में अधिवक्ता को अभियुक्त बनाया था, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया था। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता जिशान को अदालत से जमानत मिल गई है। इसके साथ ही मुकदमे में अभियुक्त पूर्व एमएलसी महमूद व अन्य को जमानत मिल गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर जुड़ेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ।